ओके सर। सर सियाल कह रहा है कि मेरा ओपन नहीं हो रहा, और लड़कों का भी आज ओपन नहीं हो रहा। अच्छा यस सर, वो इनवैलिड आईडी आ रहा है, इनवैलिड आईडी। अच्छा 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 चलो अभी देख लेते हैं, एक दो मिनट में को क्या मसला है। आपका मसला हल हो गया शुएब? मेरा मसला हल हो गया सर। आप पहले परेशान थे ना, आपके ऊपर लॉकडाउन लगा हुआ है, सिग्नल का इशू है, ये आपका मसला यस हल हो सर। गया। सर अभी भी इधर लॉकडाउन है, और मैंने यूट्यूब से सारी इसकी सारी वीडियो देखी है, उधर से उन्होंने मुझे सारा समझा दिया था यूट्यूब पे, हाँ वो वीडियो, ओपन वहाँ है वो चैन। वीडियो आ गई ना हमारे लेक्चर हाँ सुना हाँ था, वही तो आपके फिर पिछले वो लेक्चर को मैंने, मिस हो जाए तो वही उसमें आ जाए, आप यस सर, सुन सकते हैं ना। यस सर, अच्छा हो गया ना? यस सर, यस सर, अच्छा हो गया। हाँ बस ये हमारे प्रिंसिपल साहब की बड़ी काबिश है इसमें, कि उन्होंने बड़े जनाब इसको हर चीज़ को अपडेट कर रहे हैं, वो आपके सिर्फ आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए ना, फैसिलिटी के लिए। यस सर। आपने क्या सुना था लेक्चर? लेक्चर सर नहीं, मैंने जब जूम ओपन नहीं हो रहा था ना मेरा, पहले इनवैलिड आईडी आती थी।
थी, फिर मैंने यूट्यूब पे इसको जूम की चलाने का तरीका देखा था उसके ऊपर, फिर उन्होंने उधर मुझे सारा समझाया था। लेक्चर अभी उधर नहीं डाले उन्होंने इस सर ने, मैंने कल देखा था लगता है। अच्छा, बस ठीक है, वो देखते रहे, अभी अलग के सारे एप्स आ जाएंगे यूट्यूब पे ना, ठीक है ना। यस सर। हाँ भाई जवाद अली, क्या क्या हाल है आपके? ठीक जी ठाक है, सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, थोड़ा मसला हो रहा था, लिख नहीं हो रहा था हमसे, वो कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था हमारे साथ। नहीं सर, मैं लेट हो गया था थोड़ा, थोड़ा सा ख्याल का इशू नहीं हो होता रहा है। सर। हाँ तो वो यहाँ से हमने उसको किया है, लिंक किया हमने, ठीक है ना। वो तो ऑनलाइन में थोड़ा सा हो जाता है, माइनस इशूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे लाइट लगी हुई है ना, ये जो लाइट यहाँ पे चली भी जाए ना, मरकज में लाइट चली भी जाएगी, तो यूपीएस से हमने इसको अटैच किया हुआ सिस्टम को, तो क्लास आपकी डिस्टर्ब नहीं यस होगी, सर। ठीक है ना। ओके यस सर। जी सर। तो कभी एक दो मिनट के लिए क्लास थोड़ा हो जाता है ना, कभी ऑफलाइन हो जाए आपको, लेकिन आप बैठे रहा करें, ठीक है ना। कभी तो फिर हम उसको सिस्टम पे उसको ले आएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं होता, ठीक है, राइट। यस यस सर। और कौन आया है अभी? अच्छा, आप दो ही हैं। सयाल का भी नहीं हो कॉन्टेक्ट हमारे से? सयाल ने कॉल की थी। सियाल का सर आज नहीं ओपन हो रहा, वो अभी भी उसने मुझे मैसेज किया कि नहीं हो रहा ओपन मेरा। ओहो। और यूनस? यूनस का अभी पता ही नहीं है कुछ। अच्छा, चले हो जाएगा कॉन्टेक्ट इंशाल्लाह, वो भी आ जाएंगे एक दो मिनट में इंशाल्लाह। चले क्लास शुरू करते हैं फिर हम। यस सर। आज इसकी एग्जांपल्स हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, कल हमने टेंस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस। यस सर। आज हमने जो है इसकी एग्जांपल्स करनी है। I will note you examples regarding past indefinite tense. Let you have to note these examples. Let you start. First example, he went to office. He went to office. वो दफ्तर गया. He went to office. He read a book. उसने किताब पढ़ी. She read a book. It rained yesterday. It rained yesterday. It rained yesterday. They spoke the truth. उन्होंने सच बोला. They spoke the truth. We played the match. हमने मैच खेला. We played the match. I drank water. मैंने पानी पिया. You watched the TV. तुमने टीवी देखा या आपने टीवी देखा. आप होता है एक से ज्यादा लोगों के लिए और अकेले के लिए भी यू इस्तेमाल होता है. You watched the TV. यहाँ पे सामने सारे एग्जांपल्स हैं. You have to note it. क्लियर नजर आ रहा है ना आपको? Yes sir. देखें लिखें शाबाश. Yes sir. तो सही समझ आ रहा है मुझसे पूछ लो, गलत काम नहीं करना. देख लिया सर।
लिख लिया? एक मिनट सर, ये कैमरा बंद करें, कैमरा ऑफ करें। इसको काम सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना इसको, है ये यूनुस को और सयाल को, शुएब। ओके सर, मैं सेंड कर दूंगा सर। हाँ याद से क्लास के फोन बात कर देना, जो बोलना जाना। यस सर, मैं याद से सेंड करूंगा। हाँ गुड, थैंक यू सर। ओके, लिख लिया आपने? यस सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, ये जो देखें कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट ही आपका प्रोनाउन है वो है ही। इसका फॉर्मूला लिख लें बेशक आप। ही जो है आपका प्रोनाउन या सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ऑफिस आपका जो है ऑब्जेक्ट है। ये लिख लें, फॉर्मूला लिख लें बेशक आप। सब्जेक्ट ओब्लिक प्रोनाउन प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी प्रोनाउन रेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बुक ऑब्जेक्ट, और ए ये आ जो है ये आपका आर्टिकल है, पता ही आपको, ठीक है ना। इट सब्जेक्ट या प्रोनाउन सब्जेक्ट है, रेन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यस्टरडे जो है गुज़श्ता कल, दे वही है आपका, जैसे बताया मैंने आपको फार्मूला, आपको फार्मूला लिखने आप दा का पता है आपको, ये आर्टिकल है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम करेंगे सिर्फ ही इवेंट, वो गया, आ रही है बात आपको? यस सर, आ रही है। ही इवेंट, वो गया, शी रेड उसने पढ़ा, इट रेंड बारिश हुई, दे स्पोक उन्होंने बोला या वो बोले, वी प्लेड हम खेले, आई ड्रैंक मैंने पिया, You watched, तुमने देखा। अब देखना यहां तक भी आपके लिए हो जाएगा, ये पास्ट नेफर टेंस है आपको, ठीक है ना। आगे तक जुमले, छोटे छोटे जुमले भी होते हैं, और जुमले ये भी आपके, ये भी पास्ट नेफर टेंस के जुमले हैं, और आपको छोटे छोटे जुमले हैं, आई ड्रैंक मैंने पिया, ये भी पास्ट नेफर टेंस के जुमले हैं सारे। सेकंड फॉर्म जहाँ पे यूज हो जाएगी, जिस आपके जो है सेंटेंस में आप समझ जाए कि वो पास्ट नेफर टेंस का, वो पास्ट नेफर टेंस है। ओके सर, ओके सर। अब आपका होमवर्क ये है, अब ये काम माजी के हैं, माजी में हो गए हैं, ठीक है। ये यानी कि लोगों को यकीन है कि उन्होंने माजी में काम किए, बाकी तफसीला डिटेल उनको नहीं मालूम है, तो माजी में अक्सर बातें लोग भूल जाते हैं। जब बात कोई जो टाइम गुजर जाता है तो लोग बातें भूल जाते हैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा बन जाती है। तो मेन बातें सिर्फ याद होती हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में याद, ठीक है, समझ आ रही बात आपको। अब ये है ही वेंट टू, आपने होमवर्क क्या करना है, ही वेंट टू ऑफिस, शी वेंट टू ऑफिस, They went to office, we went to office, I went to office, you went to office, okay? Okay, sir. इसी तरह ये she read a book, he read a book, they read a book, we read a book, I read a book, you read a book. It बेजान चीज के लिए इसको ऐसे रहने दें, एक ही इसकी बारिश के लिए यूज होता है, ये बेजान चीज के लिए है। आगे है, they spoke the truth, we spoke the truth, I spoke the truth, you spoke the truth, he spoke the truth, she spoke the truth. जब सेकंड फॉर्म पे वर्क की सेकंड फॉर्म है तो आपके लिए आसानी होगी यहाँ पे, कि आप सिर्फ, आपने सिर्फ क्या है प्रोनाउन चेंज करना है, बाकी आप ऐसे एग्जांपल सेम रखें, एज इट इज रखें, इसको सेम रखें। ओके, इसके बाद है, वी प्लेड द मैच, ही प्लेड द मैच, शी प्लेड द मैच, दे प्लेड द मैच, आई प्लेड द मैच, यू प्लेड द मैच। इसी तरह है, आई ड्रैंक वाटर, ही आई ये के, ही ड्रैंक वाटर, शी ड्रैंक वाटर, दे ड्रैंक वाटर, यू ड्रैंक वाटर। फिर है, यू वॉच द टीवी, ही वॉच द टीवी, शी वॉच द टीवी, दे वॉच द टीवी, वी वॉच द टीवी,
आई वॉच द टीवी. ओके ओके सर. ये आपकी एग्जाम्पल अच्छी खासी बन जाएगी. आपके आपका होमवर्क है तो आप यानी कि इसकी एग्जाम्पल जो है आप 37 या 40 जो बना लेंगे आप, ये भी शामिल इंक्लूड ये भी शामिल होंगी बीच में, इसको भी लिखेंगे आप. ठीक है, या मुझे होमवर्क भेज दीजिए जब करें साथ में, मुझे होमवर्क भेज दिया व्हाट्सएप कर दिया करें आप. ठीक है, मुझे कहना ना भाई आपने मुझे भेज दिया करें. ठीक है ना. ठीक है सर. करेंगे आपका सर. सर एक क्वेश्चन सर, एनिमल्स के लिए सर, जानवरों के लिए क्या इट इस्तेमाल होता है सर? किसके लिए? एनिमल सर, एनिमल. जी जी के लिए इट इस्तेमाल करेंगे या एनिमल? नहीं, दिस होता है, दिस दिस होगा सर उसके लिए. जी जी ठीक है सर. जैसे होता है दिस इज अ बॉय, इसी तरह ये होता है एनिमल के लिए भी. ठीक है ना, ये हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते होते हैं इसके लिए ना. दिस दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट. ओके, दिस इज अ डॉग. ओके ओके सर, इन दिस वे. हाँ जी, और देखें आप ये कोई सवाल तो नहीं, इसका और सवाल हो किसी का जवाब दरी? जी सर क्लियर है. कोई सवाल? तो ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल आप और बना सकते हैं. ठीक है ना, इसके अलावा भी बना सकते हैं आप कि ही रोट अ लेटर, ही रोट अ, वो लिख लें चलें और अच्छा हो जाएगा आपके लिए. मैं और लिख देता हूँ आपको ताकि आप ज्यादा एग्जाम्पल बना लें, 50 60 बना 70 बना लें, जितनी बना लेंगे आप ही का फायदा है. लेट अस स्टार्ट फर्दर. नंबर 8, ही रोट अ लेटर, he wrote a letter, उसने खत लिखा. नंबर 9, she took tea, उसने चाय ली. she took tea. नंबर 10, I came from college, मैं कॉलेज से आया. कॉलेज. 11, they spoke a lie, उन्होंने झूठ बोला. they spoke a lie. 12, we took the medicine, हमने दवा ली, हमने दवाई ली. we took the medicine. 13, they did job, उन्होंने काम किया या उन्होंने नौकरी की. they did job. 14, you completed the work, तुमने काम मुकम्मल किया, या ज्यादा लोगों के लिए आपने काम मुकम्मल किया. you completed the work, completed the work. ये लिख लें. सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, आपको पता हो वर्ब की सेकंड फॉर्म. लिख लिया सर जी, लिख लिया जवाब? लिख लिया सर जवाब. जी जवाब नहीं लिख लिया सर, लास्ट वाला रहते हैं. लास्ट करो करो. साहब नजर आ रहा है अगर लाइट लाइट भी ऑन, दूसरी लाइट भी ऑन हो सकती है अगर आप कहते हैं तो. क्लियर नजर आ रहा है आपको? यस सर क्लियर है ना, वरना कोई लाइट का इशू तो लाइट भी हमारे पास है, दूसरी हम लाइट भी इसको ऑन कर सकते हैं ताकि रोशनी कम ना हो. क्लियर है सर? क्लियर है. ओके
ओके सर। अच्छा अब देखें, ये आपके सामने है, ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। इसी तरह शी रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, ये आपने एग्जांपल एज अ होमवर्क करनी है और एज अ, एज होता है बतौर, ठीक है ना, एज अ होमवर्क। फिर शी टुक टी, ही टुक टी, आई टुक टी, दे टुक टी, वी टुक टी, दे टुक टी, यू टुक टी। इसी तरह आई केम फ्रॉम कॉलेज, ही केम फ्रॉम कॉलेज, शी केम फ्रॉम कॉलेज, दे केम फ्रॉम कॉलेज, वी केम फ्रॉम कॉलेज, दे केम फ्रॉम कॉलेज, यू केम फ्रॉम कॉलेज, ये दो ट्वाइस टाइम यूज हो गया, तो मतलब कोई इश्यू नहीं है, आपकी एग्जाम्पल बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है जी। इसके बाद है दे स्पोक अ लाई, उन्होंने झूठ बोला, ही स्पोक अ लाई, उसने झूठ बोला, शी स्पोक अ लाई, उसने झूठ बोला, आई स्पोक अ लाई, मैंने झूठ बोला, वी स्पोक अ लाई, हमने झूठ बोला, दे स्पोक अ लाई, उन्होंने झूठ बोला, यू स्पोक अ लाई, तुमने झूठ बोला या आपने झूठ बोला। इसी तरह वी टुक द मेडिसन, we took the medicine, he took the medicine, she took the medicine, they took the medicine, ठीक है, you took the medicine, okay? Okay. इसी तरह है they did job, he did job, she did job, I did job, और we did job, you did job, you completed the work, तुमने काम मुकम्मल किया, he completed the work, she completed the work, I completed the work, they completed the work, we completed the work, they completed the work in this way, okay? Yes, sir. Examples of your... Okay, sir. If you have to make examples, most probably you can make examples, I think so, above 50. Approximately, you can make example up to 65 to 70, most probably, okay? Yes, sir. Okay, sir. Everything is okay. If you have any problem, any question in your mind, then you can ask me without any hesitation. No question? No questions. Okay. Clear. I go ahead. Ab hamara next jo phase hai, wo vocabulary hai. You are conscious about it. You are well aware about it. Vocabulary. Word meanings. Well aware. अच्छी तरह आगाह होना, किसी मामले के बारे में, किसी बात के बारे में अच्छी तरह आगाही या अच्छी तरह इल्म होना, उसे कहते हैं वेल अवेयर। किसी बात के बारे में अच्छी तरह पूरी मालूमात होना, उसे कहते हैं वेल अवेयर। एक वर्ड है कॉन्शियस, मैं इसके बारे में कॉन्शियस हूं, मुझे पूरा इल्म है, ये भी वही है कॉन्शियस, बाखबर, बाखबर या इल्म होना किसी बात का, मैं इसके बारे में कॉन्शियस हूं, आई एम कॉन्शियस अबाउट इट, आई एम वेल अवेयर अबाउट इट। यू कैन यूज एनी वन इन योर कन्वर्सेशन, इफ यू टॉक विद समबडी यू कैन यूज दिस वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, इफ यू टॉक विद समबडी, वेल अवेयर। वेल अवेयर ये दो वर्ड हैं और ए डब्ल्यू इकट्ठा, इसमें स्पेस नहीं है, आई हैव टू क्लियर इट नाउ। वेल अवेयर, ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड इज अनकॉन्शियस, बेखबर। अगर कोई किसी के बारे में ना ला इलम है तो कहते हैं जो जो है वो इस बारे में अनकॉन्शियस है, ही इज अनकॉन्शियस अबाउट इट, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बेखबर, लाइलम।
अनकॉन्शियस, इमोशनल, जज्बाती। ये बंदा बड़ा इमोशनल है, जज्बाती है, इमोशनल जो इंसान जल्दी फैसले करता है उसे कहते हैं इमोशनल, जज्बाती। एक वर्ड है हाफ हार्टेडली, हाफ हाफ हार्टेडली का मतलब होता है नींद दिली, नींद दिली से कोई काम करना, पूरी तवज्जो से काम ना करना, पूरी तवज्जो से काम ना करना, उसे कहते हैं हाफ हार्टेडली, नींद दिली से। एक वर्ड है हाफ एन आवर, कहते हैं आधा घंटा, हाफ एन आवर। इसमें एच जो है वो लिखते हैं बोलते नहीं है, हाफ हाफ में तो है लेकिन आवर की बात कर रहा हूं, आवर, एच ओ यू आर, आवर हम बोलते हैं या आर बोलते हैं या आवर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं। ये इसमें एच की जो साउंड है वो साइलेंट है, उसकी आवाज जो है नहीं बोली जाती है बोलने में। हाफ एन आवर, आधा घंटा। हाफ एन आवर, आधा घंटा। कैटेगरी, सिलसिला। कैटेगरी, सिलसिला, कैटेगरी, चेन, सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम। चेन सिलसिला भी कहते हैं, जंजीर भी मतलब होता है इसका, चेन। ये क्या पूछ रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वस्सलाम, कौन आया? यूनस आया सर, यूनस। ओ, सियाल आ गया सर। सियाल आ गया, अच्छा। सियाल कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। ये ऊपर नहीं हो रहा था आज, क्या हुआ इसको? वो इसलिए दो तीन बार सिस्टम बुक थी, इसको किया था हमने, फ्रेश किया था। कभी सिग्नल का हो प्रॉब्लम, इशू हो जाता है लेकिन बहुत कम होता है इस तरह। ठीक है सर, अभी आप इनसे काम ले लेना जो पिछला काम हुआ है, इससे आपको ये शुएब व्हाट्सएप कर देगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। एग्जांपल मैंने करवाई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और ये वोकैबुलरी मैंने शुरू करवाई है अभी। ठीक है, इसको नोट कर लें आप, नोट कर लें, शाबाश। वो कहा है यूनुस, किधर है? वो घर में, वो दूर है हमसे, उसका पता नहीं आज मोबाइल भी ऑफ है इसका। अल्लाह खैर करे, उसको काम भेज देना यार, वहां व्हाट्सएप कर देना सियाल आज का। ठीक है सर, हाँ लिख लो, शाबाश, लिख लो, लिख लो। सिलसिला, चेन सिलसिला, कैटेगरी सिलसिला। और
कर लिया आपने? ओके सर, हो गया। सियाल हो गया? मैंने भी कर लिया सर। जी जवाद और अपना शुएब, आपने कर लिया? यस सर, मैंने कर लिया सर। चलें आगे चलते हैं। स्पेलिंग अच्छी तो नहीं है ना, समझ आ रहा सब? यस सर। ओके, समझ आ रहा है सर। ओके, 8 वर्ड हो गए आपके पास। आठ हो गए। यस सर। 7 रह गए। एक वर्ड है सिचुएशन, सूरत हाल। सिचुएशन, सूरत हाल। सिचुएशन, सिचुएशन, सूरत हाल। सॉरी, एक वर्ड है सरकमस्टांसेस। सरकमस्टांसेस, हालात। सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस हैं हालात। इम्पोज, नाफिज करना। इम्पोज, किसी चीज को नाफिज किया जाए या राइज किया जाए उसे कहते हैं इम्पोज, राइज करना, नाफिज करना, इम्पोज। एक बार होता है अप्लाई, वो भी होता है नाफिज करना, राइज करना, अप्लाई, मीनिंग इज सेम। अभी कुछ देर के लिए वो टाइम हो जाएगा तो उसको कर लेना भैया। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेल डन। इम्पोज, अप्लाई, यू कैन ऑल्सो कैन गेट नॉलेज अबाउट इट नाउ। सर हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट, डिस्टर्बेंस, परेशानी। डिस्टर्बेंस है परेशानी, और टेंशन भी परेशानी है। टेंशन, परेशानी, टेंशन। और अटेंशन एक वर्ड है, तवज्जा। अटेंशन, तवज्जो या तवज्जा। मेरे ख्याल आप तवज्जा लिखें, तवज्जो को छोड़ें आप। तवज्जा ठीक वर्ड है, तवज्जा, तवज्जा होता है उर्दू में भी, सही वर्ड जो तवज्जा होता है। अटेंशन, तवज्जा। वर्ड आर कंप्लीटेड? Yes, sir, complete हो गया। Words are completed. Okay, right. Now we have to revise these words of vocabulary. आप इसको देख लें अच्छी तरह, अभी मैं आपसे पूछूंगा। ये आपने होमवर्क करना है, three time as usual. जैसे ही आप होमवर्क करें मुझे भेज देंगे। सयाल, जवाब और शुएब, जैसे ही आप होमवर्क किया करें मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। ठीक है सर। यूनिस को बता दें वो भी करके मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। ठीक है सयाल? ठीक है सर। ठीक है सर। जी यूनस बोलो। जी सियाल,
पहले वाला जो 8 वर्ड से दोबारा रिवाइज करूंगा। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं अभी तो देखना है ना। आप ऐसे करो, मेरी बात सुनो, आप मुझे बोली जाओ, वो लिखता जाएगा ना सयाल। आप मुझे बोले पहले लफ्ज कौन सा था अपना शोएब, उर्दू में बताओ। वेल अवेयर। वेल नहीं, उर्दू में बताएंगे ना, अच्छी अच्छी तरह आगाह होने की इंग्लिश है वेल अवेयर, डब्ल्यू ई डबल एल, जगह छोड़ेंगे आप स्पेस ए डब्ल्यू ए आर, वेल अवेयर, अच्छी तरह आगाह होना। दूसरा वर्ड था कॉन्शियस, सी ओ एम सी ओ एन एस सी आई ओ यू एस, कॉन्शियस बाखबर, इलम होना किसी बात का, पूरी तरह इलम होना, वेल अवेयर किसी बात की पूरी तरह इलम होना, और कॉन्शियस इल्म होना, बाखबर होना, किसी बात की खबर होना, कॉन्शियस सी ओ एन एस एस सी आई ओ यू एस, कॉन्शियस। और अनकॉन्शियस है बेखबर या अल्लाह इलम, किसी को किसी बात की खबर ना हो, इल्म ना हो, उसे कहते हैं बंदा अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस यू एन सी ओ एन एस सी आई ओ यू एस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का जो अपोजिट है वो अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस का अपोजिट कॉन्शियस है। इमोशनल सर, इमोशनल जज्बाती, ई एम ओ टी आई ओ एन ए एल, इमोशनल, ई एम टी ओ आई एन ए एल, इमोशनल। यस सर, जज्बाती। नेक्स्ट क्या था भाई? हाफ हार्टेडली सर, नीम दिल्ली से। ये होता है नीम दिल्ली से कोई काम करना, पूरे दिल से काम ना करना, उसे कहते हैं हाफ हार्टेडली, एच ए एल एफ हाफ, और हार्टेडली एच ई ए आर टी आई डी एल वाई, हार्टेडली एच ई ए आर सर टी आई डी एल वाई, हार्टेडली। आगे है हाफ एन आवर, आधा घंटा, यही है ना, हाफ एन आवर, ये लिखते हैं बोलते नहीं है, हाफ एन आवर, हाफ के बाद स्पेस है, एन के बाद स्पेस है, हाफ एन आवर, ये आपका जहर है, एन वही है आपका जो है आर्टिकल आपका, ठीक है, हाफ एन आवर, आधा घंटा सर जी, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, हाफ एन आवर। नेक्स्ट कौन सा है? हो गए सिलसिला जी, इसके बाद आता है सर सिलसिला, समझ नहीं बात मुझे, चेन, सिलसिला, सीन लाम, सीन लाम है, सिलसिला, सिलसिला, सिलसिला है कैटेगरी, कैटेगरी सी ए टी ई जी ओ आर वाई, कैटेगरी सिलसिला कहते हैं, ये कैटेगरी है। यस सर, हो गया। और चेन है सी एच ए आई एन, चेन भी सिलसिला है, दूसरा मतलब जंजीर है। एक एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, लेकिन जब जो हमारे क्योंकि यूज में होते हैं लैंग्वेज में, तो हम ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं, ओके, उन वर्ड्स को वोकैबुलरी में। वैसे नंबरलेस वर्ड है, नंबरलेस लामहदूद है, अनलिमिटेड वर्ड है, एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। डिड यू राइट एवरीबॉडी नाउ? इसके बाद ये सिचुएशन, अप्लाई सर्कमस्टेंसेस, इंपोज, अप्लाई डिस्टरबेंस, टेंशन, अटेंशन, अप्लाई भी नाफ़िज़ करना था, राइज करना, नाफ़िज़ करना, दोनों एक ही है।